बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जियोग्राफी ग्रेड 8। ऑल ऑफ यू ओपन योर रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज 31, चैप्टर नंबर 4, नेचुरल डिजास्टर। सो स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट द नेचुरल डिजास्टर लाइक वॉल्केनिज्म, लैंडस्लाइड, डिजर्टिफिकेशन एंड फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट आर रिमेनिंग एंड इट्स योर होम टास्क। यू हैव टू रीड दीज नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर। नाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। स्टार्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। एनी नेचुरल फिनोमेना विच मे कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर मैन इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। सो स्टूडेंट, नेचुरल डिजास्टर मीन कुदरती आफत, वो कुदरती आफत जिसके नतीजे में इंसान अपनी ज़िंदगी को और अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है, वो क्या है? नेचुरल डिजास्टर है। सेकेंड वन इज डिस्क्राइब 3 सेफ्टी मेजर अगेंस्ट फ्लड। फ्लड मीन सैलाब। अब हमें सैलाब से बचने के लिए 3 एहतियाती जो मेजर्स हैं उनको लिखना है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाईज शुड बी डिसकनेक्टेड, कैंपस शुड बी एस्टेब्लिश इन सेफ एरिया, एवैक्यूएशन प्लान शुड बी प्रिपेयर टू गेट पीपल आउट ऑफ द एरिया सेफली। सो स्टूडेंट्स, ये 3 सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम फ्लड की सूरत में लेंगे अगर सैलाब आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इलेक्ट्रिसिटी और बिजली की जो सप्लाईज हैं उनको डिसकनेक्ट करवा देना चाहिए। इसके अलावा जो कैंपस होंगे, ऐसे लोग जो कि दरिया के करीब रहते होंगे या फिर ऐसे एरिया जो कि ऐसे लोग जो कि ऐसे ख़तरनाक एरियाज़ में रहते होंगे, सबसे पहले हमें उन लोगों को एक सेफ जगह पर शिफ्ट करना होगा। इसके अलावा जो एवैक्यूएशन प्लान है उसको भी प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम लोगों को सेफली जो है न्यू जगह पर शिफ्ट कर सकें। एवैक्यूएशन मीन ख़तरनाक जगह से निकाल लेना। डिस्क्राइब 2 वेज टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। सो स्टूडेंट्स, अब हमने 2 वेज बताने हैं कि फॉरेस्ट फायर से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे उससे हम बच सकते हैं। ग्रोइंग स्पॉन्जी टाइप ऑफ वेजिटेशन विच कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर स्टेम एंड आर नॉट ईजिली इनफ्लेमेबल। सो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फॉरेस्ट फायर से हम बचने के लिए जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि हमें स्पॉन्जी टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है, ऐसे प्लांट्स ग्रो करना चाहिए जिनका स्टेम क्या है, फूला हुआ हो और वो स्टेम अपने अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में पानी रखे और जैसे ही आग वगैरह लगे तो वो फ़ौरन से वो आग को ना पकड़े बल्कि वो इनफ्लेमेबल हो। क्लियर द एरियाज अराउंड फॉरेस्ट फ्राम बुशेज, प्लांट, ड्राई लीव्स एंड ब्रोकन ब्रांचेस विच मे एड द प्रोसेस ऑफ फायर। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर से हमें तमाम एरियाज को साफ कर लेना चाहिए। सपोज दैट हमें बुशेज, जितनी भी झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पौधे पड़े हुए, खुश्क पत्ते और इसके अलावा जो उन्हीं दरख्तों की जो ब्रांचेज जो टूट फूट चुकी हैं उनको वहाँ से हटा देना चाहिए ताकि वो आग को ना पकड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू कॉजेज ऑफ लैंड स्लाइड। अब हमने लैंड स्लाइड की जो 2 कॉजेज लिखनी है। फर्स्ट वन इज लैंड स्लाइड अकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, द स्लोप बिकम अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू लैंड स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, लैंड स्लाइड जो वो ज़्यादातर रेनी सीजन में अकर होते हैं, मतलब बारिशों के मौसम में सबसे ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग होती है। इसके अलावा जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे वो घर की हो, रोड की हो या किसी भी ऐसे एरिया की हो, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो स्लोप है वो अनस्टेबल हो जाते हैं और इसके अलावा लैंड स्लाइड के खदशात बढ़ जाते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन वगैरह से। राइट 4 इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, लेप्स ऑफ फर्टैलिटी, कंटिन्यूस ड्रॉप्स इन बायोडाइवर्सिटी एंड शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्राउट, इंक्रीज पॉवर्टी एट लोकल लेवल। सो डिजर्टिफिकेशन की वजह से क्या हो सकता है? सॉइल इरोजन हो सकती है, ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो ख़त्म हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी मुसलसल तौर पर गिर सकती है, इसके अलावा खुराक की कमी हो सकती है और कैदसाली हो सकती है जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान। लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड इन पाकिस्तान। फ्लड की वजह से पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, हमने वो लिखना है। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड, इट कॉजेज सोशल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इट डैमेज कंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क,
uncemented housing and building without deep foundation. It may destroy bridges, road, communication lines, crops, farm, livestock and cultural monument. Loss of lives, especially of women, children and aged, can occur along with the spread of disease and epidemics. So students, flood की वजह से बहुत सारे सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का जितना भी हमारा वर्क स्टार्ट है वो तबाह हो सकता है. ऐसे हाउस जो कि डीप फाउंडेशन में नहीं बने हुए या सीमेंट से नहीं बने हुए, वो हाउस जो है वो गिरने का खतरा हो सकता है. इसके अलावा जो ब्रिजेज हैं, हमारी जो रोड है, इसके अलावा कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, ये सारी फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारी कीमती जानें सैलाब की जिद में आ सकती हैं. राइट नोट ऑन साइक्लोन. Cyclone is a system of swirling wind which has low pressure area in the center. So cyclone क्या है, जब बहुत तेज़ आंधी चलती है लेकिन जो उसका जो प्रेशर है वो सेंटर में लो होता है. The wind circulate towards the center and produce rain with thunder and lightning. Cyclone produce a continuous rainfall in a short period of time which may cause flooding and loss of life and property. In coastal areas, huge sea waves called storm surges are generated which may causes destruction on a large scale. So students, जो साइक्लोन है उसमें विंड जो है वो सर्कुलेट करती है जिसकी वजह से बारिश होगी बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और थंडर के साथ. अब साइक्लोन जो होंगे वो कंटिन्यूसली बारिश को प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से सैलाब आने का भी खतरा होगा और इसकी वजह से बहुत सारी कीमती जाने और प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज़ का ज़्या होगा. इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें जो समंदर की लहरें हैं वो तूफ़ान बनकर उभरेंगी और जिसकी वजह से जो है डिस्ट्रक्शन जो होगी या तबाही जो होगी वो बहुत बड़े पैमाने पर होगी. एनालाइज द डैमेज कास्ड बाय अर्थक्विक. डैमेजेस कास्ड बाय अर्थक्विक. अर्थक्विक डिस्ट्रॉय ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइन, वाटर टैंक एंड कम्युनिकेशन. इनडायरेक्ट डैमेज इंक्लूड फायर, लॉस ऑफ वाटर रिजर्वायर एंड लैंडस्लाइड. द मोस्ट अनरिकवरेबल डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्विक इज द लॉस ऑफ वैल्यूएबल लाइव्स. सो स्टूडेंट, अर्थक्विक, अर्थक्विक मीन जलजला. अब जलजला जो है सबसे पहले वो ह्यूमंस की जो इंसान की जो सेटलमेंट है उसको तबाह करेगा. हमारी बिल्डिंग, हमारी इमारतें तबाह हो जाएंगी, हमारे जो पुल हैं वो तबाह हो जाएंगे, सड़कें तबाह हो जाएंगी, कम्युनिकेशन मीन रबते का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा. ये तमाम ऐसे काम हैं जो ऐसे ही जलजला होता है तो ये तमाम डिस्ट्रक्शन जो है ये फौरी तौर पर हो जाती है. लेकिन जो हमारे पास इनडायरेक्ट डैमेजेस हैं उसमें क्या हो सकता है, फायर हो सकता, फायर, आग लग सकती है. अब फायर कैसे लग सकती है, सपोज दैट कि अगर हमारी जो गैस की सप्लाईज़ हैं अगर वो डिसकनेक्ट नहीं है तो ऐसी सूरत में फ़ौरन से क्या हो जाएगी, फायर हो जाएगी. लॉस ऑफ वाटर रिजर्वायर, पानी के जो कुएँ हैं, जो रिजर्वायर हैं वो तबाह हो जाएंगे. इसके अलावा लैंडस्लाइड भी होगी. लेकिन जो सबसे ज़्यादा डैमेज होगा वो क्या होगा कि इंसानी जाने, कीमती जाने जो उनका ज़िया होगा, वो ऐसा डैमेज होगा या ऐसी डिस्ट्रक्शन होगी जो कि अनरिकवरेबल होगी. बिल्डिंग्स हम फिर से बना लेंगे, पुल दोबारा बन जाएंगे, वाटर रिजर्वायर दोबारा से कायम हो जाएंगे, लेकिन इंसानी ज़िंदगी जो जलजले में अगर एक दफ़ा खो जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती. तो जलजले के इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है. एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन. इम्पैक्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन हैज़ कॉज मैनी इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन मैनी एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज. इट कॉजेज सॉइल डिग्रेडेशन एंड स्वेयरली रेड्यूस पोटेंशियल लैंड प्रोडक्टिविटी. वाटर रिसोर्स ड्राई अप एंड पॉपुलेशन आर प्रेशर टू मूव टू मोर हॉस्पिटेबल एरियाज. इट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, लिप्स ऑफ फर्टेलिटी एंड कंटिन्यूस ड्रॉप्स इन बायोडाइवर्सिटी. सो स्टूडेंट्स, डिसर्टिफिकेशन जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर बुरी तरह से असरअंदाज होती है. इसकी वजह से इन्वायरमेंटल में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी, वो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में कॉज हो जाएंगी. सॉइल की डिग्रेडेशन हो जाएगी, सॉइल की जो फर्टेलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. वाटर रिसोर्सेज जो हैं, पानी के जो ज़खायर हैं वो ड्राई अप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उस इलाके की जो आबादी है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएगी, यानी मूवमेंट करने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे एरिया की तरफ मूव करेगी जहाँ पर उसको ज़िंदगी की तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ अवेल हों. इसके अलावा ये सॉइल ओरिजिन को कॉज करेगा, लेप्स ऑफ फर्टेलिटी होगी और बायोडाइवर्सिटी जो होगी वो कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप हो जाएगी. ये सारे इम्पैक्ट किसके हैं, डिजर्टिफिकेशन के हैं.
क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस. स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज योर होम टास्क. यू हैव टू अटेम्प्ट इट ऑन योर नोटबुक ऑफ SST. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38, डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, दिस आंसर ऑन योर नोटबुक ऑफ SST. जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह.